up, this is your host Taranum from Tricity Property Guru. Welcome to the world of luxury. So guys, आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट का, which is named as Green Valley Residentia, जो लोकेटेड है आपके जरकपुर में और नगदा रोड एंड कनेक्टेड रहेगा आपके टू मेजर हाईवेज के साथ, योर PR7 एंड योर अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे. तो यहाँ पे आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ एक सिंपल अपार्टमेंट का, which comes in the size of 1737 square feet. तो मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट दिखाऊं, उससे पहले आप देखिए कुछ ग्लिम्स. गाइज, आपको प्रोजेक्ट दिखाने से पहले हम थोड़ा सा नियर बाय हॉटस्पॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो गाइज, आपके जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे आपको यहाँ पे 5 मिनट्स की ड्राइव पे मिल जाएंगे. मेजर हॉटस्पॉट्स की बात करूँ तो आपका डीमार्ट, डीकैथलॉन, आपका मेट्रो यहाँ पे लाइक 5 मिनट की ड्राइव पे रहने वाला है. तो गाइज, आज की जो हमारी टाउनशिप है वो कंप्लीट 5 एकड़ की आ जाएगी, जहाँ पे ये आपका एंट्री गेट रहने वाला है 42 फीट का. एंड गाइज, स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्रंट में आपके कमर्शियल स्पेसेस भी आ जाएंगे, जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी. तो लाइक आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए, लाइक डेली यूज़ की चीज़ों के लिए बाहर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगी. तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड उसको अंदर से चेकआउट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ का कंप्लीट टाउनशिप है हमारा, जिसमें आपको कंप्लीट 200 फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 50 फ्लैट्स का पोजीशन ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, जिनमें से 25 प्लस फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी यहां पे रहना भी शुरू कर चुकी हैं. एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में आपको 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके डिफरेंट एमिनिटीज़ रहेंगी, लाइक योर स्विमिंग पूल, योर जिमनाजियम, योर पार्टी हॉल, लाइक बहुत सारी चीज़ें रहेंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्रोजेक्ट में 2 पार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें एक आपका जो पार्क है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, जिसमें आपको वाटर बॉडीज़ मिल जाएंगी, योर वॉकिंग ट्रैक्स, योर जॉगिंग ट्रैक्स एंड आपके सिटिंग स्पेसेस आ जाएंगे. एंड आपका ग्रीन स्पेस आ जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा, लाइक ग्रीनरी भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी है. टावर टू टावर के डिस्टेंस की बात करेंगे, 82 फीट का डिफरेंस रहने वाला है दोनों टावर्स के बीच में. एंड इंटरनल रोड्स की बात करेंगे तो 2-वे यहाँ पे आपको रोड मिल जाएंगे, लाइक आपका जो एंट्री होगा वो अलग होगा एंड जो आपका एग्जिट होगा वो डिफरेंट यहाँ पे रहने वाला है. एंड 26 फीट के रोड आपके इंटरनल यहाँ पे रहने वाले हैं. एंड गाइज, फाइनली अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारे आज के प्रोजेक्ट का एलिवेशन. तो कुछ इस तरीके का एलिवेशन आपका रहने वाला है, जैसे कि आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं, S+4 कंसेप्ट के साथ आ जाएगा. एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको यहां पे विद लिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड बात करते हैं पार्किंग की, तो आपका जितना भी पार्किंग है वो सारा स्टिल्ट में आ जाएगा. स्टिल्ट में यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे पर फ्लैट. तो ये थी पार्किंग की बात. अब चलेंगे फाइनली हमारे सैंपल अपार्टमेंट में, जो रहने वाला है इन द साइज ऑफ 1737 स्क्वायर फीट. तो आइए चलते हैं. तो गाइज, ये रहेगा आपका कॉरिडोर एरिया. एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, एक आ जाएगा आपका यहाँ पे एंड एक आपका वहाँ पे रहने वाला है. जैसे कि आप यहाँ पे लिफ्ट देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लो राइज है, फिर भी आपको यहाँ पे लिफ्ट प्रोवाइड की जा रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड है, आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं. तो यहाँ रहेगा हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट, जो आज मैं आपको टूर कराने वाली हूँ. तो चलिए अंदर चलते हैं, चेकआउट करते हैं, आइए. सो एंट्री में ही आपको ये वुडन डोर मिल जाता है. एंड एज यू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग स्पेस, जिसमें आपका कंप्लीट इंटीरियर आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डन है. सारा फर्नीचर देख सकते हैं आप, लाइक प्रॉपर स्पेस मैनेज किया गया है. आपका सोफाज आप देख लीजिए, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो आप कितना फर्नीचर उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि वो मूव करने के लिए भी आपके पास स्पेस बच जाए एंड आपका फर्नीचर भी इंस्टॉल हो जाए. थीम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे गोल्डन एंड क्रीम थीम रखा गया है. एंड जिस तरीके का ये फर्नीचर इंस्टॉल्ड है आपका, जिस तरीके से ये डेकोरेटेड है पूरा ही घर, बहुत रॉयल आपको फीलिंग आने वाली है अगर आप इसको विजिट करेंगे. कंप्लीट ऊपर आपका फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं विद LED लाइट्स, आपका सारा एज इट इज़ रहने वाला है.
बीच में शंडलर आ जाएगा आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा। आप भी अपने घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका ड्राइंग एरिया भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। यहाँ पे रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइज आपके ड्राइंग एरिया के साथ अटैच बालकनी भी आ जाएगी जो आपकी रनिंग बालकनी है। मैं आपको बेडरूम नंबर 1 से वो चेकआउट करवाऊंगी। एंड आफ्टर आर ड्राइंग एरिया अब हम चेकआउट करेंगे हमारा डाइनिंग स्पेस। सो यहाँ रहेगा आपका डाइनिंग स्पेस कम्प्लीट। आप देख सकते हैं कलर्स देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखे हैं। ग्रीन भी है मैचिंग विद माय ट्राउजर। एंड ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा वर्क इन्होंने यूज़ किया है। वुडन प्लस योर मिरर एंड हैंगिंग लाइट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा एम्बियंस आपके डाइनिंग एरिया में क्रिएट कर देता है। तो काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपका 5-seater ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा आपका डाइनिंग टेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे रहेगा द हार्ट ऑफ द हाउस योर किचन। कंप्लीट मॉडर्न स्टाइल का आपको यहाँ पे किचन मिल रहा है पूरा ओपन, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आपके अपर कैबिनेट्स विद ग्लास डोर्स रहेंगे जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलिक ओपनर के साथ। डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड भी आ जाएंगे आपके, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स अपनी सिंक में वॉश करके यहाँ पे रख सकते हैं। ड्यूल सिंक आपको प्रोवाइडेड है। एंड सेंटर में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा आपके हॉब के लिए, जहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे चिमनी अपना लगा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ आपको मिल रही है, यहाँ पे छोटा सा विंडो प्रोवाइडेड है आपके लिए। तो छोटी सी चीज़ है बट बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि किचन में वेंटिलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये आपको बहुत हेल्प यहाँ पे करने वाली है। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड डिफरेंट साइज के आपको मिल रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। लाइक आपका जितना भी स्टफ है, जितना भी किचन का सामान है, आपके यूटेंसिल्स हैं, इजीली यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा किचन। नाउ वी आर ऑल डन विद आर आउटर पार्ट, आर ड्राइंग, डाइनिंग एंड आर किचन। अब चलेंगे रूम्स की तरफ। तो अब मैं आपको लेके जाऊंगी हमारे फर्स्ट बेडरूम में जो रहेगा ठीक वहां पे। सो गाइज ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। पहले तो आप इंटीरियर देखिए, कलर्स देखिए, बहुत ही लाइट कलर्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ करे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल सोबर लुक दे रहे हैं पूरे ही रूम को। एंड उसमें जो आपका चेरी ऑन द टॉप आ जाता है वो ये शैंडलर आ जाता है आपका, जो बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है इस पूरे ही रूम को। फर्नीचर की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे तो आपका पूरा बेड इंस्टॉल है यहाँ पे, उसके बाद साइड टेबल्स हैं आपके, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स जो आपको काफ़ी अच्छे लेआउट के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेआउट है। स्पेस भी आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा कि आपका सारा स्टफ आप इजिली इनमें रख सकें। एंड मैंने आपको बताया था कि आपका जो बालकनी है वो इस रूम के साथ भी अटैच रहेगा एंड आपके ड्राइंग एरिया के साथ भी अटैच रहेगा, तो वो यहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं बालकनी में। तो गाइस ये रहने वाला है आपके घर का फ्रंट बालकनी जो आपके फर्स्ट बेडरूम एंड आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड रहेगा। स्पेस का बता देती हूँ, 6 feet वाइड बालकनी है जहाँ पे जैसे कि आप ये सेटिंग देख सकते हैं, इस तरीके का भी आप अपनी बालकनी में कुछ कर सकते हैं या फिर झूला वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी बालकनी के ठीक सामने यहाँ पे रहने वाला है पार्क। तो जब भी आप यहाँ पे बैठेंगे अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे तो आपको पूरा पार्क का व्यू यहाँ से मिलने वाला है। एंड दूसरी बात गाइस कि आपको यहाँ पे सारे ही अपार्टमेंट जो हैं वो पार्क फेसिंग मिलने वाले हैं, क्योंकि बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है आपके। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट्स हैं तो दोनों साइड से जो बालकनी है आपकी वो विजिबल रहेगी, ओपन रहेगी एंड यहाँ से फ्रंट बालकनी से आप पूरा पार्क का मजा यहाँ पे ले सकते हैं। सो गाइज ये थी हमारी बालकनी। आफ्टर दिस अब हम बैक टू रूम अपना बाकी चीजें चेकआउट कर लेते हैं। तो सामने वाली वॉल ये जो आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आप एलईडी के लिए स्पेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा अपने रूम में कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे रहेगा हमारा वॉशरूम एंड यहाँ पे ठीक ऊपर आ जाएगा आपका एसी का डक्टिंग। वॉशरूम की बात करेंगे, वॉशरूम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट जैगवार की फिटिंग्स रहने वाली हैं। एंटीस्किट आपकी पूरी फ्लोरिंग आ जाएगी एंड फुल वॉल लेंथ पे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टाइलिंग प्रोवाइडेड रहेगी आपकी, लाइक एज इट इज आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है सेम फिटिंग्स के साथ। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चेकआउट करेंगे हमारा सेकेंड बेडरूम
जो रहेगा आपका ठीक यहाँ पे। सो गाइज ये रूम जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, डिफरेंट इंटीरियर आ जाएगा। लाइक आपके फर्स्ट बेडरूम से बिल्कुल ही अलग आपको ये रूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड गाइज ये जो रूम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारा इंटीरियर दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको आइडियाज भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं कि आप अपने घर को किस तरीके से यूनिक बना सकते हैं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस रूम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका बेड जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड है, साइड टेबल्स भी आ जाएंगे। इनफैक्ट कि आपके पास यहाँ पे इतना स्पेस बच जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ा टेबल है, तो आप अगर चाहेंगे यहाँ पे अपना स्टडी टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलईडी के लिए स्पेस आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये सैंपल अपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे पैनलिंग कर रखा है प्रॉपर, तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने रूम में कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो वॉशरूम है वो भी अटैच आ जाएगा एंड बालकनी भी आपकी अटैच रहेगी, जो मैं आपको थर्ड बेडरूम से दिखाऊंगी क्योंकि कॉमन बालकनी है दोनों की, तो हम वॉशरूम चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रहेंगे आपके वॉकिंग क्लोजेट एंड योर वॉशरूम, एंड यहाँ रहेगा आपका एसी का डक्टिंग। तो पहले चेकआउट कर लेते हैं हमारा वॉशरूम एंड आर वॉकिंग क्लोजेट। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, काफी अच्छे लेआउट के साथ मिल रहे हैं एंड काफी अच्छा स्पेस प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ रहेगा आपका वॉशरूम, इसमें कंप्लीट आपके जैगवार की फिटिंग्स आ जाएंगी। फुल वॉल लेंथ पे आप टाइलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रे टाइल आ जाएगा, पीछे आप ब्लैक देख सकते हैं, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फ्लोरिंग आपका सारा एंटीस्केट रहने वाला है एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पे आपका काफी बड़ा विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब इसी के ठीक यहाँ पे रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। तो आइए गाइस, अगेन मैं बोलूंगी कि इसमें आपको काफी डिफरेंट कलर्स एंड काफी डिफरेंट इंटीरियर देखने को मिलेगा। दोनों रूम आपके काफी अलग थे एंड सेम आपका थर्ड रूम भी बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं कि आप अपने रूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर आपका कंप्लीट फॉल सीलिंग रहेगा, बीच में ब्यूटीफुल सा शैंडलियर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पीछे आपका पूरा पैनल वर्क आ जाएगा जिसमें आप वुडन का वर्क भी देख सकते हैं बीच में, एंड बीच में आपका लाइटिंग भी आ जाएगा जो काफ़ी अच्छा बना देता है इस वॉल को। लाइक आप आइडियाज़ ले सकते हैं अपने बेड के पीछे वाले वॉल को किस तरीके से डेकोरेट करना है। यहाँ पे रहेंगे आपके कबर्ड्स, तो यहाँ पे आप लेआउट देख लीजिए, काफ़ी अच्छे साइज के साथ मिल रहे हैं। इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाएगा, अगर आप इसको क्लोज करना चाहें आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन रखना चाहेंगे इस तरीके से तो ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस, यहाँ पे इस वॉल पे आप अपना एलईडी पैनल लगा सकते हैं, अपना एलईडी प्लेस करके एंटरटेनमेंट का फुल ऑन मजा ले सकते हैं। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो बालकनी है वो अटैच रहेगा, तो पहले हम बालकनी चेकआउट कर लेते हैं, बाकी में मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। तो गाइज ये रहेगी बालकनी जो आपके थर्ड बेडरूम एंड योर सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, दोनों की कॉमन बालकनी है, 6 feet वाइड रहने वाली है। स्पेस काफी ज्यादा मिल रहा है आपको, यहाँ पे झूला वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, सिटिंग के लिए स्पेस बना सकते हैं। लाइक इतना ज्यादा स्पेस आपको बालकनी में मिल रहा है एंड यहाँ पे आपका टैप भी प्रोवाइडेड है, तो फॉर द यूटिलिटी पर्पज भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अब हमने अपनी बालकनी चेकआउट कर लेती है, अब रूम का बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रूम में बेड वगैरह इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इतना स्पेस बच जाता है कि एक स्टडी टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ से आप स्पेस का आइडिया लगा लीजिए एंड आइडियाज भी ले सकते हैं कि अपने रूम को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यहीं पर रहेगा आपका वॉशरूम एंड ठीक इसके ऊपर यहाँ पे रहने वाली आपकी एसी की डक्टिंग। तो वॉशरूम चेकआउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका वॉशरूम जिसमें आपका कंप्लीट एंटीस्किड फ्लोरिंग रहने वाला है, फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग आ जाएगा, विंडो भी प्रोवाइडेड है फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट लगा सकते हैं आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिन एंड योर सीट, कंप्लीट जैगवार की फिटिंग्स रहने वाली हैं आपकी पूरे वॉशरूम में। सो गाइज ये था हमारा थर्ड बेडरूम, विद दिस हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है, विच कम्स इन दिस साइज ऑफ 1737 स्क्वायर फीट। काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट आ जाएगा आपका, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्रोजेक्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करते हैं, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छी डील आपके लिए होने वाली है अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक 3 BHK अपार्टमेंट। तो अगर आप इस अपार्टमेंट को चेकआउट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए सुंदर से घर के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय।